हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं पालक का निमोना। पालक का निमोना यूपी स्टाइल बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। चलिए पालक का निमोना बनाना शुरू करते हैं। पालक का निमोना बनाने के लिए आप देख सकते हैं, हमने ये हाफ के जी पालक ले लिया है। यूपी स्टाइल हम बनाएंगे पालक का निमोना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है पालक का निमोना। रेसिपी आप कई तरीके की, जैसे पालक के कोफ्ते हुए, देखिए पालक की सब्जी, पालक के पराठे, पालक की पूड़ियाँ, कई तरीके की रेसिपी हमने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। देखिए हमें पालक का निमोना बनाने के लिए हमें पत्तों का यूज़ में लेना है और डंठल हम हटा देंगे, देख सकते हैं आप। ऐसे हमें तोड़ते जाना है। बहुत ही टेस्टी यूपी स्टाइल हमारे पालक का निमोना जो है बन के तैयार होता है। आज हम बनाने वाले हैं यूपी स्टाइल। चलिए अब इसे हमें तोड़ लेना है। पालक का डंठल हमने हटा दिया है। अब इसको हम बर्तन में ले लेते हैं और इसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल के इसको हमें चूल्हे पे चढ़ा देना है। पालक में हमने पानी जो है डाल दिया है, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अब इसको अच्छे से हम 10 मिनट तक उबाल के पालक को तैयार कर लेंगे। पालक में उबाल आना शुरू हो गया है। बीच बीच में हम इसे चला देते हैं, जो ऊपर पत्ते होंगे वो नीचे चले जाएंगे। इसे 10 मिनट हमें उबालना है। 10 मिनट में अच्छे से पालक जो है उबल के तैयार हो जाता है। पालक को उबलते हुए 10 मिनट हो गया, हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब पालक को हम निकाल लेते हैं पानी से बाहर। पालक को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इसे हमें ठंडे पानी से पालक को धुल लेना है। पालक को हमने ठंडे पानी से धुल लिया है। अब इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। पालक को हमने डाल दिया, आप देख सकते हैं मिक्सर जार में। इसमें जाएगा लहसुन और हरा मिर्च, कुछ कलियां हमने तीखे के अनुसार हरा मिर्च ले लिया, और 10 से 12 हमने कलियां लहसुन का। इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पालक के यूपी स्टाइल हमारा निमोना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। अब साथ में इस पेस्ट जो है तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर हमने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने डाल दिया, चूल्हे को ऑन कर देते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। जाएगा ज़ीरा और जाएगा ये गरम मसाला, और इसमें डालेंगे हम तैयार किया हुआ ये पालक का पेस्ट। पेस्ट हमने डाल दिया है। अब इसको पकाना है हमें निमोने को। जितना अच्छे से निमोना पकेगा उतना ही टेस्टी निमोना जो है बनके तैयार होगा। राइस, चपाती, पूरी, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। सफ़र में जा रहे हैं आप, सफ़र में भी इसे बना के पैक करके शाम के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में आप इसे ले जा सकते हैं। अब जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून नमक साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसे हमें 10 मिनट तक पका लेना है, क्योंकि पहले से ये उबला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 10 मिनट में पका के निमोने को तैयार कर लेना है। निमोना को पकते हुए 10 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं ये कैसा गाढ़ा हो गया है। ऐसे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने ले लिया है कटोरा, इस कटोरे में हम निमोने को निकाल लेंगे। निमोना हमने निकाल लिया है कटोरे में। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने कटोरे में जो है तेल ले लिया, हमने मस्टर्ड ऑयल जो है यूज़ में लिया है। चूल्हे को ऑन कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे का कलर चेंज होने देते हैं, और जाएगा ये हींग। उसके बाद से जाएगा ये टमाटर, हमने ये काट के ले लिया था। अब टमाटर को हम डाल देते हैं। तड़का जो है तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे हमें निमोने में डाल देना है। पालक का निमोना हमने ले लिया है। अब इसमें हम तड़के को डाल देंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी निमोना जो है बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे आप निमोना ज़रूर बनाइए। देख सकते हैं आप, हमने तड़का जो है डाल दिया है निमोने में। हम आपको पास से भी दिखा देते हैं। बहुत ही टेस्टी यूपी स्टाइल पालक का निमोना जो है बनके तैयार हो गया है। ऐसे आप पालक का निमोना बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।